हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क पाउडर से बहुत ही स्पंजी रसगुल्ला। तो आइए शुरू करते हैं, देर ना करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कप मिल्क पाउडर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें ज़रा सा भी लम्स ना रहे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे फिलहाल। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको प्रॉपर एक दूध बनाएंगे हम इसका। अब इसको हम भर देंगे। यहाँ मैंने तकरीबन एक कप दूध में एक लीटर से थोड़ा थोड़ा पानी मैंने इसमें डाला हुआ है। तो ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से गर्म करने के लिए रख देंगे दूध को गैस पर। उबाल आने तक हम इसको ऐसे ही गर्म करेंगे। तो इसमें अच्छा खासा उबाल आ चुका है और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पकने के लिए भी छोड़ दिया था। और मैंने यहाँ पे एक नींबू का रस लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसमें और दूध फटने तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। गैस मैंने बहुत ही लो फ्लेम कर दिया है। अब मैंने गैस को कर दिया है बंद। अब जो बचा हुआ नींबू का रस है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए, हमारा बहुत अच्छा पनीर बन के रेडी हो गया है। अब इसको मैं एक छन्नी में डाल दूंगी। और पनीर में हमने नींबू का रस डाला हुआ था तो इसीलिए मैं इसको वॉश कर दूंगी एक बार। और इसको ऐसे करके हम रख देंगे और एक कुछ भारी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो ये देखिए, हमारा बहुत अच्छा पनीर बनके रेडी हो गया है। अब इसको हथेली की सहायता से बहुत अच्छे से इसको मस लेंगे हम। ये बहुत ही अच्छा एक डो बनके तैयार हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा सा ही बनाया हुआ है। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग बनाइएगा आपको कितना बनाना है। अब ऐसे करके हम ये लोई तैयार कर देंगे। और ध्यान रहे, थोड़ा सा इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ये देखिए, बहुत ही स्मूथ हमारा ये बॉल रेडी हो गया और इसमें एक भी क्रैक नहीं है। यहाँ मैंने पैन लिया हुआ है, इसमें एक कप चीनी डालूंगी मैं, एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें मैं दो कप पानी ऐड करूँगी और इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी गैस के ऊपर। इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि ये चीनी चिपके ना नीचे। ये अच्छा खासा उबाल आ गया है गैस में, सॉरी चासनी में। तो मैं अब इसमें ये सारे बॉल्स डाल दूंगी और इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और इसका जो ये होल है इसको मैं बंद करूंगी। ओह, गर्म है ये बहुत अभी, तो मैं इसको सीजर की हेल्प से मैं इसको बंद करूंगी। ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखिए, मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए, मैंने 15 मिनट के बाद चेक किया है, बहुत ही अच्छा हमारा रसगुल्ला बनके रेडी हो रहा है। ये बहुत अच्छे से साइज़ से डबल हो चुका है। तो मैं अब करूँगी लो फ्लेम और लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 10 मिनट और। तो 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं, एक बार देखते हैं खोल के। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से अब पक चुका है, ये लगभग रेडी हो गया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। इसको 2-3 मिनट के लिए और मैं ढक के रखूंगी, फिर उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। तो ये देखिए, रौनक आ गया है चेक करने के लिए। 2-3 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए, हमारा स्पंजी रसगुल्ला बिल्कुल रेडी हो गया है। ओह, रौनक खाने का मन कर रहा है।
आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। बाय।